क्वेश्चन करके तबीयत खुश हो जाए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23वां। मनिहार इंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड इन दिल्ली। मनिहार, मनिहार कौन होते हैं जानते हैं आप? हाँ जी, इज एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सक्लूसिवली टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ही देते हैं, वाह 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 वाह, एंड एजेंसीज एटसेट्रा, एंड पर्सन नोटिफाइड अंडर सेक्शन 51, और ये नोटिफाइड है जो TDS डिडक्ट करने के लिए जिम्मेदारी है। इट हैज प्रोवाइडेड द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द सप्लाईज मेड, देयर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यूज एंड द पेमेंट ड्यू अगेंस्ट ईच ऑफ दैम इन द मंथ ऑफ दिस दिस, जो भी पेमेंट ड्यू हो रहा है वो, और साथ में एज अंडर जो भी बताया गया है आपको यहाँ पर, ठीक है जी। तो ये अपना आ गया जी, ये यहाँ पर वैल्यूज दी गई हैं, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इनक्लूसिव ऑफ GST, ठीक है जी। पहले पॉइंट में बताएंगे क्या आपका ये लगेगा या नहीं लगेगा। सप्लाई ऑफ स्टेशनरी टू फिशरीज डिपार्टमेंट कलकत्ता, यानी कि ये वेस्ट बंगाल का है, तो वेस्ट बंगाल के बंदे को इन्होंने ये सप्लाई दी है जी। सप्लायर कहाँ का था? सप्लायर, और उस पर देखो ना, ओरिजिन कहाँ था? सर जी, जो ओरिजिन था वो तो दिल्ली था, वेरी गुड। सप्लाई ऑफ स्टेशनरी, स्टेशनरी वेस्ट बंगाल गई है, तो ऑब्वियस सी बात है डेस्टिनेशन आएगा वेस्ट बंगाल निकल के आएगा, ठीक है जी। रेसिपिएंट की लोकेशन क्या है? रेसिपिएंट की लोकेशन भी वेस्ट बंगाल ही है, तो क्या बी साइड ए साइड में कहीं दिखती है? तो जमेरब दिखता, हाँ सर दिखती है, इस बात पर तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो टेस्टेड है, ओके है, टनाटन है। लेकिन मुझे बताइए क्या यहाँ TDS कटेगा, और कटेगा तो कितना कटेगा? सर देखो, ट्रांजैक्शन बेसिकली ये इंटरस्टेट है ना, दिल्ली और में ओरिजिन है वो वहाँ है, तो ट्रांजैक्शन इंटरस्टेट है, 2% से कटेगा सर जी, है ना। 2% किस वैल्यू का? 2% सर जितना पेमेंट ड्यू हुआ है उसका 2% काट दिया जाएगा, तो 15,000 का सर 2% आ जाएगा हमारा, कितना आएगा जी 15,000 का 2%, बताना जरा सर। 300 रुपये काट दिए जाएंगे, ऐसी की तैसी। लॉ पढ़ने में और क्वेश्चन करने में जमीन और आसमान का फर्क होता है। ये वैल्यू आपकी दी हुई है इंक्लूसिव ऑफ GST, इनसे हमारी डील हुई है 260,000 रुपये की। जरा इसको हटा के देखना, जरा छिलका हटाना, जरा इसका, इस 260,000 से जरा छिलका हटाना, GST का रेट कितना है पहले ये बताओ जरा। आगे क्वेश्चन में दे रखा है क्या कहीं पे? GST का रेट एज्यूम कर लीजिए 18% का दिया गया है, जरा छिलका हटाना भाई इसका, भाई 200,000, रूल नंबर 35 जो आपको बहुत कड़े तरीके से याद है, डिवाइड बाई 1.18, भाई ये 220,000 समथिंग आता है, तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आपकी 2.5 लाख से ऊपर नहीं है। सॉरी, यहाँ पर GST TDS का प्रोविजन नहीं आएगा, यहाँ हम TDS की बात नहीं कर सकते हैं, ग्रेट। आगे आ जाइए, सप्लाई ऑफ रेंटल कार सर्विसेज टू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली। सप्लाई का ओरिजिन क्या है? सप्लायर की लोकेशन, यानी कि वो दिल्ली है, और डेस्टिनेशन क्या है सर्विस का? सर डेस्टिनेशन भी दिल्ली ही है। रेसिपिएंट की लोकेशन, रेसिपिएंट की लोकेशन भी दिल्ली ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बी साइड ए साइड में फॉल करती है, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ मिलती है, तुझमें रब दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है 295, रुको जरा इसका छिलका उतारते हैं जरा, 295 डिवाइडेड बाई 1.18 ऐसे करके, ओ पूरा का पूरा एग्जैक्ट 2.5 आ रहा है, एग्जैक्ट 2.5। एग्जामिनेशन हॉल में बच्चा कंफ्यूज हो सकता है कि काटूं कि ना काटूं, भाई ये तब कटेगा जब वैल्यू 250,000 से ज्यादा होगी, 250,000 से ज्यादा होगी, तो यहां पर TDS ना कटेगा, लेकिन हांसी जरूर कट जाएगा मेरे हाथों से। हाँ जी, उसके बाद आगे सुनो जरा, सप्लाई ऑफ हैवी मशीनरीज टू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, PSU उत्तराखंड को सप्लाई करी गई है, भाई जरा चेक कर लीजिए। सप्लाई का ओरिजिन क्या है? ये दिल्ली है। सप्लाई का डेस्टिनेशन क्या आ रहा है? सर ई हमार उत्तराखंड आ रहा है, ई हमार उत्तराखंड आ रहा है। और जो रेसिपिएंट की लोकेशन है वो भी हमारी उत्तराखंड ही है, तो भाई तुझमें रब दिखता मिल गया, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। 5,90,000 वो 2.5 लाख वाला चक्कर भी ना पड़ेगा, तो मुझे बताइए यहाँ पर फाइनली कोई टैक्सेबल भी है, एग्जम्पशन भी नहीं है,
कहीं कोई कलेशबाजी दिख रही है? नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को देखेंगे तो आप पूरी लिंकेज को धारण करेंगे और देखेंगे गुड्स या सर्विस भी है, सप्लाई भी है, और तीसरा इंट्रा इंट्रा वाला जो चक्कर था ये वाला, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, टैक्स पर पर्सन पर कोई इशू नहीं आएगा, एग्जम्पशन तो नहीं है, वैल्यूएशन वाले पार्ट में बताया गया 2.5 लाख से ज़्यादा का होना चाहिए तो ही बात करेंगे, यानी कि पूरी को एक साथ कंसिडर करने के बाद ही आप काम करेंगे, राइट है जी। यहां पर ये आपका 25,000 आता है तो यहां टीडीएस का प्रोविजन लगेगा, लेकिन सप्लाई कैसी थी, इंट्रा या इंटर? सर सप्लाई थी इंटर, इंटर है तो भाई साहब 2% क्रेडिट लगेगा, तो 25,000 का अगर मैं निकाल दूं 2% तो वो आएगा भाई साहब 500 रुपए का यहां पर टीडीएस काट दिया जाएगा, 500 रुपए के टीडीएस की यहां पर बात करी जाएगी। उसके बाद में सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू दिल्ली ऑफिस ऑफ नेशनल हाउसिंग A society established by Government of India under the Societies Registration Act 1860. रुको जरा, अरे ठहर जा भाई, ओरिजिन क्या है? दिल्ली है भाई। डेस्टिनेशन क्या है तेरा? सर जी डेस्टिनेशन है हमारा बोलते हैं बोलते हैं, यहाँ पे डेस्टिनेशन क्या है? सोसाइटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर रजिस्ट्रेशन टू दिल्ली ऑफिस, ये भी दिल्ली है सर जी, और रेसिपिएंट की लोकेशन भी दिल्ली है। बेटा कोई फिक्र वाली बात नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, और ये भी 649 की है, कोई दिक्कत नहीं है जी, लगाओ 50,000 पे लग जाएगा, लेकिन चूंकि ट्रांजैक्शन इस बार मेरी इंट्रा है तो टीडीएस तो लगेगा, लेकिन 1-1% करके ही लगाया जाएगा। कितना कितना आएगा भाई साहब? सर जी देखो दोनों के दोनों दिल्ली में ही हैं तो ये आएगा मेरा 500 और 500, 1,000 नहीं, ऐसे मत बोलो। यहाँ पर आएगा मेरा ये सर ये 50,000 का जब 1-1% निकालेंगे हम तो ये 500 और प्लस 500 ऐसे करके मेरा निकल के आ जाएगा, ठीक है जी। ओके आगे देखते हैं प्रभु, आगे क्या बोलता है, इंटीरियर डेकोरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश भवन, इंटीरियर डेकोरेशन ऑफ आंध्र भवन लोकेटेड इन दिल्ली। दिल्ली में बहुत सारे यूपी भवन, आंध्र भवन, ये भवन, सारे स्टेट के भवन बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है जी। तो इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विस दी है, ओरिजिन क्या है, ओरिजिन तो भाई साहब दिल्ली है, डेस्टिनेशन क्या होगा, इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विस का, बोलो भाई डेस्टिनेशन, अरे बोलो, बता दूंगा ग्वालियर यार, क्वेरीज के लिए हमने रोका था ना आपको, होल्ड कर लो सब आ जाएगा, चिंता मत करो, चिंता ना करो, जो बात एक बार बता दीजिए एक ही बात को दोहरवाया मत करो, बार बार मत कहा करो। हाँ जी हाँ, ये जरूर है कि एट द एंड आप सिंगल इतनी सी क्वेरी आपके सर पे रह जाए तो बाबा को बता दीजिएगा, लेकिन पेशेंस बड़ा जरूरी है यार, सीखो पेशेंस रखना, सीखो उतावली मत बना करो, ऐसे क्या करो योगा, मैं बताऊं, जैसे भगवान बुद्ध की प्रतिमा देखी होगी आपने, बैठे होते हैं ऐसे हाथ बांधकर, आलती पालती मारकर ऐसे बैठ जाया करो, और जो सांस चल रही है नेचुरली आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, बस इसी पर केंद्रित करो कि सांस जब जा रही तो इधर से गई या इधर से गई, गई तो कहाँ से छू गई, यहाँ से बाहरी हिस्से को छू गई, अंदरूनी हिस्से को छू गई, और जब निकली तो इधर से निकली, इधर से या दोनों से, और कहाँ से छूते हुए निकली, नीचे होके या ऊपर वाले हिस्से पर छूते हुए निकली, इस पे कॉन्सेंट्रेट करो लाइट माइंड से, सांस को ज्यादा खींचो मत तेज, ना ज्यादा छोड़ो, नेचुरल वे में। दावे से कहता हूं डेली 10 से 15 मिनट कर लो डेली, अगर तुम्हारा मन एक निर्मल जल की तरह स्वच्छ ना हो जाए तो कहिएगा, तुम्हें सही क्या है गलत क्या है सब एक बहुत अच्छे से प्रतीत होना शुरू ना हो जाए तो कहिएगा, क्या गलत है क्या सही है उसका भेद आपको समझ में ना आ जाए तो कहिएगा, छोटे मोटे नुकसान आपके हो जाते हैं टेंशन में आप घबरा जाते हैं वो सब घबराहट आपकी खत्म ना हो जाए तो कहिएगा, करके देख लेना बाबा का प्रैक्टिकली फॉर्मूला है। डेस्टिनेशन आ रहा है यहां पे निकल के इसका, वो दिल्ली ही निकल के आएगा, ठीक है जी। एंड जहां तक सवाल है रेसिपिएंट की लोकेशन तो वो क्या है, और पेशेंस भी रखना आ जाएगा आपको। जी जी बताएं आगे बोलो भाई। सर रेसिपिएंट की जो लोकेशन निकल के आएगी हमारी, वो क्या आएगी हम बता दें आपको, रेसिपिएंट की जो लोकेशन आएगी
सर गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश को सर्विस दी गई थी, तो वो आंध्र प्रदेश निकल के आ रही है, आंध्र प्रदेश आ रही है, तो बताइए यहां पर जीएसटी किस रेट से काटा जाएगा? सर नो टीडीएस, ये तुझमें रब दिखता है, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा रब, नहीं दिख रहा काटा, तो इसलिए यहां पर नो टीडीएस। सप्लाई ऑफ प्रिंटेड बुक्स एंड प्रिंटेड पोस्ट कार्ड टू अ वेस्ट दिल्ली पोस्ट ऑफिस आउट ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ 972 कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू फॉर सप्लाई ऑफ बुक्स एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। अच्छा, बुक्स जो हैं वो एग्जेम्प्टेड हैं, इज रुपीज 7 लाख एंड फॉर सप्लाई ऑफ प्रिंटेड पोस्ट कार्ड टैक्सेबल अंडर इज 272। अच्छा, जो पोस्ट कार्ड हैं वो तो टैक्सेबल हैं, जो कि 272 का कॉन्ट्रैक्ट था, जो किताबें हैं वो एग्जेम्प्टेड हैं, जो किताबें एग्जेम्प्टेड हैं क्या उन पर जीएसटी की बात कर सकते हैं किताबों पे? नहीं, क्योंकि वो एग्जेम्प्टेड है इसलिए बात नहीं होगी। क्या पोस्ट कार्ड पे बात करें, पोस्ट कार्ड की जो वैल्यू दी हुई है वो 272 यहां पर दी गई है, पोस्ट कार्ड की वैल्यू 272 है, तो अगर मैं इसका छिलका उतार के देखूं तो डिवाइडेड बाय 1.18 तो ये आएगा 230 के आसपास, तो सॉरी एक पर एग्जम्पशन की वजह से टीडीएस नहीं कटेगा और दूसरे पर वैल्यू पूरी ना होने की वजह से टीडीएस नहीं काटा जाएगा, नो टीडीएस एट ऑल। उसके बाद में मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रीट लाइट इन म्युनिसिपल एरिया ऑफ ईस्ट दिल्ली, ठीक है जी, द मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू विद द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली आल्सो इन्वॉल्व रिप्लेसमेंट ऑफ डिफंक्ट लाइट्स एंड अदर स्पेयर्स, हाउएवर द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इज नॉट मोर देन 25% एंड ये जो वर्क था ये आर्टिकल नंबर 243W के अंदर फॉल करता था। सर्विस टू गवर्नमेंट, जहां पर गवर्नमेंट सर्विस ले रही हो। सर नो, अरे 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 ग्वालियर, अरे इतना इतना काटूं, इतना काटूं, ऐ तो सप्लाई ही नहीं है। क्या ये सप्लाई नहीं है? इतना पढ़ाया, इतना सिखाया तूने है और तू मेरा नाम मिट्टी में डुबा रहा है, सप्लाई नहीं है। सप्लाई तो है पर एग्जेम्प्टेड है, सप्लाई तो है पर एग्जेम्प्टेड है। इट इज सप्लाई प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट नॉट बाय गवर्नमेंट, इट इज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट नॉट बाय गवर्नमेंट, ठीक है ना जी, वैसे करके है। तो ये हमारी एग्जेम्प्टेड है इसलिए यहां पर कोई किसी प्रकार के टीडीएस की बात नहीं करी जाएगी। बाबूजी आंसर सारे मैच करते हैं क्या? सर देखें जरा, आंसर मैच करते हैं तो ये आ गया, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, ये 500 आ गया, ये 500 आ गए, ठीक है जी, वेरी गुड, कोई गल नहीं है जी, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर मैच करता है। तो आई थिंक ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि टीडीएस कैसे मूव कर रहा है, कब लगाया जा रहा है। इसका जो लीगल थ्योरी है मैं वो भी आपके लिए रीड करता हूँ।